नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में काका भतीजी ने एक बकरे को मारकर पहले तो पार्टी मनाई, इसके बाद एक मकान में ले जाकर बकरे की खून से सनी मुंडी को उन्होंने टांग दिया। इसे देख मालिक आग बबूला हो गया। उसने काका और भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर फरार हो गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य मामलों में केस दर्ज किया है। सिमरौल पुलिस के मुताबिक 29 वर्षीय विकास पिता रामचंद्र निवासी दातौदा ने बताया है कि उसने अपने काका सूरज के साथ बकरा पार्टी की और बकरे की मुंडी ओम प्रकाश मालवीय के घर की लकड़ी पर टांग दिया था। बाद में बकरे की मुंडी को भी बनाकर खा गए, लेकिन लकड़ी पर खून के दाग लगे रह गए। जब ओम प्रकाश अपने घर आया तो वो लकड़ी पर लगे खून को देखकर नाराज हो गया। उसने कुल्हाड़ी लेकर विकास के घर पहुंचा और विकास सहित माँ लीलाबाई पर हमला कर दिया। महिला के सर और पीठ में गंभीर चोट आई है, उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने ओम प्रकाश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश की जा रही है। थाना सिमरौल के अंतर्गत जो दातौदा गांव है उसमें ये संघर्ष हुआ है और इसमें दो पड़ोसी ही हैं जिन्होंने कि एक चाचा और चाची और एक लड़का है विकास, ये लोग मटन लेके आए होंगे। बकरे की मुंडी लाना बताया गया और उसको वहाँ जिस पटिए पे इन्होंने उसको काटा होगा और वो खून से लगा हुआ था तो पड़ोसी के घर पे वो फेंक दिया गया था, उस कारण से विवाद हुआ। और इसमें आरोपी ओम प्रकाश के द्वारा, जो उनका पड़ोसी है, उसके द्वारा कुल्हाड़ी से वार किया गया जिसमें सिर और नाक में गंभीर चोट आई है। उस पर से थाना सिमरौल में 294-307 का मुकदमा कायम किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है और ये आरोपी बताया ये भी गया कि आरोपी के द्वारा शराब के नशे में इस तरह की ये विवाद करके घटना पारित की गई। तो बताया पटिया जो लकड़ी का था उसको धोया नहीं था, इसी कारण से उसको आक्रोशित हो गया था। हाँ, अभी तक जो बातें सामने आई हैं कि उस पर उन्होंने बकरे की सिल लेके आए थे और उसको काटा और उस पर से खून लगा हुआ था, उसी बात को लेकर इनका टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल